इस थाने में फरियाद लगाना है तो नाव के सहारे जाना होगा। फरियाद लगाने के लिए थाना अगर पहुंचना है तो नाव ही काम आएगी। जी हाँ, ये हाल हो गया। शुरुआत में तस्वीर आपने जो देखी है ये निवाड़ी थाने की है। थाना इस कदर बेहाल हुआ बारिश से कि थाना तालाब बन चुका है और जिस किसी को भी थाना होता है वो नाव के सहारे जाता है। यहाँ तक कि आलम ये हो चुका है कि पुलिस कर्मियों को SDRF की मदद से रेस्क्यू करने वाली तस्वीर भी आपने देखी होगी कि खुद जाना पड़ रहा है अपने जरूरी कागजातों को बचाने के लिए थाने तक नाव के सहारे। नाव के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। बारिश ने ऐसा बुरा हाल किया कि थाना तब्दील हो गया तालाब में और इस कदर हालात बिगड़े हैं यहाँ पर बारिश के बाद निवाड़ी में कि मुख्य मार्ग से गाँव के जो लोग हैं उनका तो संपर्क कट ही गया है। जो निवाड़ी की निचली बस्तियां है यहाँ पर पानी इस कदर भर गया है, नदी नाले उफान पर है, लोग बेहद परेशान है। अब SDRF की टीम यहाँ पर लगी हुई है और पूरी तरीके से रेस्क्यू को अंजाम दे रही है। जरा सोचिए कि पुलिस वालों को अपनी फाइलों को बचाने के लिए नाव का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। SDRF के प्लाटून कमांडर बता रहे हैं किस तरीके से वो रेस्क्यू कर रहे हैं। जी, कंट्रोल रूम द्वारा हमें सूचना प्राप्त हुई थी सुबह कि निवाड़ी में कई घरों में, कई बिल्डिंगों में सरकारी जगह पानी भर गया है और लोग फंसे हुए हैं। इस पर तुरंत हमारी टीम यहाँ मौके पर पहुँची। हमारे द्वारा देखा गया कि थाने में या कई जगहों पर तो लोग फंसे हुए, तो उन लोगों को बोट की सहायता से, कई जगह पर लाइफ रिंग की सहायता से लोगों को निकाला जा रहा है। और क्या क्या इंतजाम किया गया है आप लोगों ने? रेस्क्यू टीम हमारी पूरे ज़िले में अलर्ट पर है। नदियों पर जैसे दो नदियाँ हैं अपने, जामनी नदी पर और बेतवा नदी पर, सभी जगह पर रेस्क्यू टीम सुबह से अलर्ट पर है। पानी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। वहाँ पर जो किनारे पे झोपड़ियाँ वगैरह हैं और जो लोग हैं, बैरिकेडिंग कर दी गई है, पुल पर आवागमन बंद कर दिया गया है, सवारी बाकी अन्य जगह पर भी, और लोगों को भी पीछे रहने की हिदायत दी जा रही है। आप अगर यहाँ के आप रहवासियों की बात मानेंगे या स्थानीय लोगों की, तो वो भी बताते हैं कि जो नगर परिषद है, जो नगर पालिका का काम होता है, वो उस तरीके से नहीं हुआ क्योंकि जल भराव की स्थिति इसलिए बनती है क्योंकि जल निकासी को लेकर इंतजाम किए नहीं जाते। ये भी सुन लीजिए। ये पिछले 2-3 सालों से लगातार नगर परिषद से कहा जा रहा है, नगर पंचायत CMO की भी पूरी जानकारी में है, जिला प्रशासन की भी जानकारी में है, और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि ये सिविल लाइन निवाड़ी का सबसे पॉश एरिया है और ये रोड के किनारे के मकान हैं। अगर रोड के किनारे के मकानों से मेन सीवर लाइन के निकास की व्यवस्था नहीं है तो नगर पालिका क्या काम कर रही है, इसका आप गंभीरता से विचार कर सकते हैं। क्या कारण रहा है कि अभी तक प्रशासन नहीं पहुँच पाया है? प्रशासन की लापरवाही, बार बार जानकारी देने के बाद भी प्रशासन द्वारा कुछ नहीं करना। यहाँ कितना नुकसान हुआ होगा? आप ये मान के चलिए कि जैसे ये मेरा मकान है, मैं एक एडवोकेट हूँ, करीब 100 फाइलें हमारी ख़राब हो गई और इसके अलावा घर का पूरा फर्नीचर अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो रोड किनारे के जितने भी मकान हैं, एक एक दो दो लाख रुपए का फर्नीचर सारा का खत्म हो गया। कुल मिलाकर हाल ऐसा है यहाँ पर कि बारिश जो है प्रदेश में, मध्य प्रदेश में जो है अपना कहर बरपा रही है, लेकिन निवाड़ी में तो ये आलम हो गया कि जहाँ लोग फरियाद लगाने जाते हैं, जहाँ से लोग गुहार लगाते हैं सुरक्षा की, जहाँ पर लोग उम्मीद रखते हैं मदद की, वो खुद ही पुलिस वाले रेस्क्यू के लिए मजबूर हो गए हैं। यहाँ तक कि अपनी फाइलों को बचाने के लिए, अपने कागजातों को बचाने के लिए ये स्थिति हो गई है क्योंकि कल यहाँ पर SP हैं, उन्होंने भी अलर्ट जारी किया है निवाड़ी को लेकर और अब प्रशासन जो है लगातार कोशिश कर रहा है रेस्क्यू के माध्यम से इस स्थिति से उबरने के लिए। निवाड़ी से आप तक एक बार पहुंचाई मैं संवाददाता मयंक दुबे ने। आप देखते रहिए MP।